को रायपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खेल महोत्सव को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं उसकी सीधी तस्वीरें और बातें सुनवाते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। 87वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह में आज मंच में विराजमान, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बंधुवर श्री केदार कश्यप जी, बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हमारी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, मंच में विराजमान श्री दयालदास बघेल जी, मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री श्री राजेश मूढ़त जी, पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम के विधायक, रायपुर ग्रामीण के विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, धरसीवां के विधायक पद्मश्री अनु शर्मा जी, T20 भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री सूर्य कुमार यादव जी, उनकी फ्लाइट थी, वो अपना उद्बोधन देकर चले गए हैं, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती लीना नंदन भारत सरकार वन विभाग की सचिव, उनकी भी फ्लाइट थी, वो भी अपना उद्बोधन देकर चली गई है, डीजी फॉरेस्ट भारत सरकार श्री जितेंद्र कुमार जी, हमारे प्रदेश के PCCF श्री श्रीनिवास राव जी, भारत सरकार वन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश सरकार वन विभाग के सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभवगण, और इस खेलकूद प्रतियोगिता में वन विभाग के देश के सभी प्रदेशों से आए सम्माननीय खिलाड़ी बंधुगण और प्रेस के मित्रों, ये माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम का ननिहाल है। मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं भारत सरकार वन विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो इस आयोजन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना, हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर को चुना, और इस भव्य आयोजन के लिए हमारे प्रदेश के वन विभाग ने बड़ी मेहनत की है। मैं अपने प्रदेश के वन विभाग के हमारे मंत्री सहित उनकी पूरी टीम को भी हम इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। भारतीय T20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार जी चले गए हैं, उनकी फ्लाइट थी, आप सब लोगों का उनका इंतजार था, पूरे देश में उनके काफी प्रशंसक हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जैसे हमारे वक्ताओं ने बताया कि इस तरह का जो प्रतियोगिता है वन खेलकूद प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, तब सिर्फ 11 प्रकार के खेल होते थे और 650 खिलाड़ी पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे। प्रतियोगिता की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई और इस साल लगभग 24 प्रकार की खेल स्पर्धा होगी, जिसमें 299 तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
मुझे इस बात की भी खुशी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम यहां आई हुई है। इस दौरान न केवल हमें शानदार खेल का नजारा दिखेगा, अपितु यहां लघु भारत भी नजर आएगा। खिलाड़ियों के लिए भी यह मौका बहुत अच्छा होता है, वे एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं, यह समझने का मौका मिलता है कि भारत कितनी विविधता से भरा हुआ देश है और यह विविधता भारत को एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरत बनाती है। आज देश भर से वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन खेलों में हिस्सा लेने आए हैं। वन विभाग की सेवा में दमखम बहुत जरूरी होता है, जंगल में कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है, इसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है। खेलों के माध्यम से न केवल आप लोग अपनी फिजिकली फिट अपने को फिजिकली फिट रख पाते हैं, अपितु आपका मनोरंजन भी होता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उससे खेलों के क्षेत्र में देश का उज्जवल भविष्य साफ नजर आता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में खेलों की अधोर संरचना को बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बढ़िया काम हुए हैं। एक समय मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में देश ने हॉकी के खेल में बड़ी उपलब्धियां अर्जित की थी और इसका लोहा जर्मनी के चांसलर हिटलर ने भी माना था। वह दौर आज भी वापस आया है जब पेरिस ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम पदक लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची और कैप्टन श्री जेस ने जब प्रधानमंत्री को हॉकी थमाई तो यह दृश्य हम सबके लिए बहुत ही गौरवशाली था। पैरालंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जब उन्हें कैप पहनाना चाहा, लेकिन उनके छोटे कद के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। आप सब लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जमीन में बैठ गए और नवदीप ने उन्हें कैप पहनाई। जब देश में ऐसे खिलाड़ी हों और ऐसा नेतृत्व हो तो निश्चित ही खेल की तरक्की होती है। हमारी सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले कुछ साल राज्य खेल अलंकरण समारोह हमारे प्रदेश में नहीं हो पाए थे, हम लोग सरकार में आने के बाद फिर से उस परंपरा को यहाँ पर शुरू किए हैं। इससे हमारे प्रदेश के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा है। हमारे साथ आज वन विभाग के खिलाड़ी मौजूद हैं, आप लोग दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, खिलाड़ी के रूप में देश को खेलों में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और वन रक्षक के रूप में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी आप सभी लोग लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यह चुनौती और भी बड़ी है, हमारे प्रदेश का 44% हिस्सा वनों से आच्छादित है। इतने बड़े क्षेत्र में वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी संभाल रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। समापन के अवसर में ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर का भी यहां पर आगमन होगा, वो भी हमारे खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा का क्षण रहेगा। प्रतियोगिता में शामिल सभी खिलाड़ियों को मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि शानदार खेल का प्रदर्शन कीजिए और छत्तीसगढ़ की सुंदर यादें अपने साथ लेकर जाइए। छत्तीसगढ़ आए हैं तो कांगेर वैली से लेकर सेमरसोत तक जंगलों की पूरी श्रृंखला यहाँ मौजूद है, इसे जरूर देखिए। यहाँ के जंगलों को देखना आपके लिए यादगार अनुभव होगा। यहाँ चित्रकूट में एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला जलप्रपात है और वहीं कांगेर वैली में चूना पत्थर की गुफाएं हैं जो भूगर्भ विज्ञान का चमत्कार है।
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इन्हें भी समय देकर निकालकर जरूर देखें। मैं अंत में 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के इस सुंदर आयोजन के लिए पुनः विभाग को बधाई देता हूं और ये प्रतियोगिता अच्छे से संपन्न हो इसके लिए शुभकामनाएं देते हुए और सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं एक बार फिर से पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हमारे वन विभाग के खिलाड़ियों का माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर में बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा का उद्घोष करेंगे। मैं 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और जैसे ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है इस खेलकूद की, तो पहले से ही पुरस्कार की शुरुआत होनी चाहिए। मार्च पास जो आपने देखा है उसके पुरस्कारों की हम घोषणा यहां पर कर रहे हैं। माननीय अतिथि के हाथों से, अतिथिगण के हाथों से ये मिलेगा। आपको बता दें कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार तो है, उसके साथ ही दो कॉन्सोलेशन प्राइज भी है। हम एक एक करके नाम ले रहे हैं और उस दल के खिलाड़ी मंच की ओर आगे बढ़ेंगे शीघ्रता से। सबसे पहले कॉन्सोलेशन प्राइज में स्थान मिला है आसाम को। आसाम के दल और दल प्रमुख शीघ्रता से मंच की ओर आगे बढ़ें। जो भी उनके दल प्रमुख हैं जल्दी मंच की ओर आगे बढ़ें। और इसके बाद फायरवर्क्स भी होगा आप सभी के बीच। आसाम के बाद जो कॉन्सोलेशन प्राइज है वो गुजरात को मिला है। गुजरात के खिलाड़ी वहां पर हों, हम गुजरात को वो आमंत्रित करते हैं मंच पर, शीघ्र वो मंच की ओर आएं। मंच के बाईं ओर से आप आते हुए पुरस्कार लेते हुए दाईं ओर से आप उतर जाएंगे नीचे। आसाम का दल जिन्हें सांत्वना पुरस्कार यहां पर दिया गया है। और इसी के साथ फायरवर्क्स भी यहां पर शुरू हो चुका है पुरस्कारों की इस झड़ी के साथ। और इसके बाद है गुजरात के दल। गुजरात के जो दल प्रमुख है वो आ गया है मंच की ओर। गुजरात के दल प्रमुख आगे बढ़े। और इसके बाद अब बारी है प्रथम, द्वितीय और तृतीय कड़ी की। जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु के दल प्रमुख मंच की ओर आ जाएं। तीसरा स्थान, प्राइस है ना, तमिलनाडु के जो दल प्रमुख हैं वो आ जाएं आगे। तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश दूसरा स्थान, हिमाचल प्रदेश दूसरा स्थान आपने हासिल किया है। शीघ्र मंच की ओर आगे आएं। सारे सदस्य नहीं आ सकते हैं, प्रतिनिधि के तौर पर कुछ ही सदस्य आगे आएं। दो से तीन सदस्य बस ऊपर आएंगे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जिन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है वो आगे बढ़ रहे हैं अपने पुरस्कार के लिए। और इसके बाद प्रथम पुरस्कार के लिए भी सब लोग तैयार हो जाएं। ये दूसरा स्थान हिमाचल ने हासिल किया है। तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला था, उनके भी दल आ चुके हैं। हम उनके भी तीन सदस्यों को कहेंगे कि वो ऊपर आएंगे। तमिलनाडु के दल आगे आए, तीसरा स्थान आपने हासिल किया है। सिर्फ तीन सदस्य ऊपर आएंगे। और अब बारी है प्रथम स्थान की घोषणा की। तमिलनाडु तीसरा स्थान इन्होंने हासिल किया, ये आगे बढ़ रहे हैं पुरस्कार लेने के लिए। आगे बढ़े, सर। और पहला स्थान हासिल किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के जो दो प्रतिनिधि आ जाएं ऊपर और अपना पुरस्कार हासिल करें। छत्तीसगढ़ के सिर्फ दो से तीन प्रतिनिधि ऊपर आएंगे। प्रथम स्थान आपने हासिल किया है, शीघ्र आप आए, समय का सब ध्यान रखें।
आगे जो खिलाड़ी पुरस्कार हासिल कर चुके हैं वो आगे बढ़े। इसके बाद प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है, वे आगे बढ़ रहे हैं अपने पुरस्कार के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के कंवर कमलों